वेल बिग बॉस ओटीटी में आखिरकार शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल के बीच में तो वैसे भी शुरुआती दिनों से ही नहीं पड़ रही थी, लेकिन आखिरकार दिव्या अग्रवाल ने क्यों दिया है शमिता शेट्टी को ताना? आखिरकार शमिता शेट्टी को क्या कुछ दिव्या अग्रवाल बोलती नजर आई हैं? चलिए पूरी खबर हम बताते हैं आपको सब वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। पहले आपको बता दूँ कि गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना की गई थी और उससे पहले ही सभी कंटेस्टेंट्स को तैयार होने जाना था और इसमें सबसे पहले शमिता शेट्टी चली गई और काफ़ी अच्छे तरीके से वो तैयार होकर आ भी गई। इसी बीच जी हाँ, दिव्या अग्रवाल कहती हैं कि उस घर में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि पहले तो चले जाते हैं रेडी होने के लिए, लेकिन सबसे आखिरी में आते हैं। लेकिन उन्हें देखो, वो किस तरह से सबसे आखिरी में जाती हैं और सबसे लास्ट में तैयार होकर वापस आ जाती हैं और साथ ही साथ खूबसूरत भी लगती हैं। वेल, इस बात को शमिता शेट्टी को ही डेडिकेट किया जा रहा था, क्योंकि शमिता शेट्टी ही सबसे पहले, जी हाँ, सभी कंटेस्टेंट्स में सबसे पहले वो रेडी होने के लिए गई थी। पता नहीं उन्हें कितना ज़्यादा टाइम लगता है। वेल, आपका क्या कुछ कहना है दिव्या अग्रवाल के इन दानों पर शमिता शेट्टी के लिए? क्या आपको भी लगता है कि शमिता शेट्टी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती हैं रेडी होने में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।